हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के एक जिले छतरपुर जिले के बारे में। एक नज़र में अति महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छतरपुर जिला, तो छतरपुर जिले की जनसंख्या है 17,62,375। साक्षरता है 63.7% और जिले का क्षेत्रफल है 10,863 वर्ग किलोमीटर। छतरपुर जिले का लिंगानुपात है 883। साथ ही जनसंख्या घनत्व है 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। छतरपुर जिले के नगरीय जनसंख्या, इसका जो प्रतिशत है वह है 22.6% और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.4%। छतरपुर जिले की कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति का प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार है 23% और कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 4.2%। छतरपुर जिले की जो तहसीलें हैं वह है छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौंधी, कोरिहार, बिजावर, बड़ा मलहरा, महाराजपुर, धुवारा, बक्सवा और चंदला। और विकास खंड हैं छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लोधी, गौरीहार, बिजावर, बड़ा मलहरा और बक्सवाहा। छतरपुर जिला है वह सागर संभाग में आता है और इसके जो सीमावर्ती पड़ोसी जिले हैं वह हैं टीकमगढ़, सागर, दमोह और पन्ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें तो छतरपुर के खजुराहो में हीरा संग्रहालय बनाने की घोषणा 2020 में की गई। छतरपुर के धुवेला में मस्तानी महल एवं छत्रसाल संग्रहालय भी स्थित है। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जयजाग भुक्ति भी कहा जाता था। छतरपुर को बुंदेला राजा छत्रसाल ने 1785 में बसाया था। छत्रसाल को बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है। छतरपुर के चटकारा में एक पुरातत्व स्थल भी है। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम यहीं पर स्थित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव के मंदिरों का निर्माण भी चंदेल शासकों ने करवाया था। पायरोफ्लाइट एवं डायरोस्फीयर, ये दोनों खनिज हैं यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ स्थित अंगूर नामक स्थान पर हीरे के भंडार स्थित है। छतरपुर के नवगांव में सवाई सिंह की समाधि स्थित है। यहाँ पर अधिकतर मंदिर हैं वह शिव को समर्पित हैं। हीरे के भंडार भी यहाँ पर अन्य ज्ञात हुए हैं। आदिवासी कला संग्रहालय जो कि खजुराहो में स्थित है। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष यहीं पर होता है और छतरपुर में जल विहार का मेला धुवेला संग्रहालय नौगांव में स्थित है। यहाँ के प्रमुख पर्यटनों में है खजुराहो, धुवेला संग्रहालय, पांडव प्रपात, रंगब झील, बैनीसागर डैम, गुलगंज फोर्ट, प्रताप सिंह की छतरी आदि प्रसिद्ध हैं। खजुराहो को स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ के धुवेला में यहाँ एक पुरातात्विक संग्रहालय है एवं धुवेला उष का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर बंबर बायनी जो कि लवकुश नगर में स्थित है। केन नदी पर स्थित रनेह वाटरफॉल को भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। छतरपुर के गंगऊ बांध जो कि सीमरी और केन नदी के मिलन स्थल पर बनाया गया है, यह कृषि सिंचाई में सहायक है। केन बेतवा गठजोड़ के तहत दुहन बांध निर्माणाधीन है। घड़ियाल का संरक्षण केन वन्य जीव अभयारण्य में भी किया जा रहा है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह है केन और खद्दर। एशिया का जो सबसे बड़ा पनीर नियंत्रण संयंत्र है वह खजुराहो में स्थित है। सिंचाई जो यहाँ पर परियोजना है, सिंचाई परियोजना वह है उर्मिल परियोजना और केन परियोजना। चरण पादुका कांड इसी जिले में हुआ जिसे मध्य प्रदेश का जलियावाला हत्याकांड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।